सड़क पर पास लेने को लेकर हुई बहस के बाद परिवहन निगम बस चालक के साथ अश्लील गाली गलौज के बाद मारपीट करने के आरोप में प्रदेश के एक रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ देहरा पुलिस के पास एक केस दर्ज हुआ है। रेवेन्यू अधिकारी हमीरपुर के बरसर में तैनात बताया जाता है। सड़क पर पास लेने को लेकर हुई बहस के बाद परिवहन निगम बस चालक के साथ अश्लील गाली गलौज के बाद मारपीट करने के आरोप में प्रदेश के एक रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ देहरा पुलिस के पास एक केस दर्ज हुआ है। रेवेन्यू अधिकारी हमीरपुर के बटसर में तैनात बताया जाता है। जानकारी के अनुसार ये रेवेन्यू अधिकारी अपनी गाड़ी से शनिवार शाम अपने घर पैसा जा रहा था, तभी देहरा सड़क मार्ग पर जा रही देहरा डिपो की बस जो देहरा से बने दी हट्टी जा रही थी के चालक से गाड़ी पास को लेकर बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। निगम चालक राजेंद्र ने उपरोक्त रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ उससे ड्यूटी पर कार्य करते वक्त गाली गलौज एवं मारपीट के आरोप में शिकायत पर उपरोक्त आरोपी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और उसने दरवाजा खोला, करना अपना दरवाजा खोल के आ गया, मेरे को मार पहले नाक में मार दी, फिर नीचे खींच दिया कर, फिर घर करवाई दी इसने, करना सबको बुला दिया, वो घर वाले साहब भी मारने पड़ गए। फिर और क्या क्या फिर आपने क्या किया उसके बाद? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं मैंने, उसको लॉज कराई दी मैंने, नहीं मेडिकल हो गया मेरा, उसका नहीं किया। डीएसपी देहरा लालमन शर्मा ने मामला दर्ज होने बारे पुष्टि करते हुए बताया कि आचार संहिता लागू होने के चलते वे इस केस में एसपी कांगड़ा अधिक जानकारी दे सकते हैं। एसएचओ पुलिस स्टेशन देहरा सब इंस्पेक्टर प्यार सिंह कल दिनांक 4/5/2019 को थाना पर टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एचआरटीसी बस के ड्राइवर के साथ पैसा में मारपीट हो रही है। मैं उसी समय अपनी सरकारी गाड़ी लेकर मुलाजमानों के साथ पैसा में पहुंचा तथा वहां हालात का जायज़ा लिया और बस में बैठी सवारियों से भी पूछताछ की, और बस में सवारियों ने मेरे पास बयान दर्ज कराया कि ड्राइवर के साथ एक जो अपने आप को तहसीलदार बता रहा है उसने मारपीट की है, उसको गाड़ी से बाहर निकाला और मारपीट की, तो इसके बारे में बयान तलबन करके उस जो उसका नाम जो है अजय कुमार पैसा का रहने वाला था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ड्राइवर जो एचआरटीसी का ड्राइवर जिसके साथ मारपीट हुई है उस का मेडिकल करवाया गया, और जो उसकी वर्दी फाड़ी है उसकी वर्दी को भी कब्जे में ले लिया गया है तथा इसके बयान लिखे जा रहे हैं और तफ्तीश की जा रही है, और जो मारपीट करने वाले व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी इनकी गिरफ्तारी तुरंत ही गिरफ्तारी कर रहे हैं और बाकी तफ्तीश के द्वारा कर जा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।